हेलो गाइज, एसके मोटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीवीएस रेडियन और हीरो की पैशन एक्सटेक के बारे में। तो ये दोनों बाइकें काफ़ी ज़्यादा फेमस है और दोनों बाइक वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करता है। वहीं आप रेडियन को भी देख लें तो रेडियन काफ़ी आपको कॉम्पैक्ट लुक देखने को मिल जाता है। वहीं अगर पैशन एक्सटेक को देखा जाए तो पैशन एक काफ़ी आपको मस्कुलर और कहीं ब्रॉड आपको देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी दोनों बाइकों के बारे में डिटेल कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप इन दोनों बाइक को लेने में कंफ्यूज हैं या फिर दोनों बाइक में से कोई भी अगर लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि आपको पूरी तरह से नॉलेज मिल जाए कि कौन सी बाइक बेस्ट है और आपके लिए कौन सी बाइक सुटेबल है। तो अगर मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं एसके मोटो यूट्यूब चैनल, तो चलते हैं वीडियो में फटाफट और देखते हैं बताते हैं कौन सी बाइक बेस्ट है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के लुक्स के बारे में। तो लुक आप देख सकते हैं रेडियन का लुक्स काफ़ी सिंपल आता है, मतलब सिंपल नहीं कहें उसे, आपको स्प्लेंडर की तरह ही लुक इसका आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि सिंपल ही भी कह सकते हैं, लेकिन लुक वाइज देखा जाए तो लुक वाइज में कोई कमी नहीं है। अगर सिंपल ही सही, लेकिन जिसको आपको ज़्यादा ताम झाम ज़्यादा मस्कुलरिटी से मतलब नहीं रहता है वो ज़्यादातर सिंपल ही लुक पसंद करते हैं ज़्यादातर रूरल एरियाज में। वहीं बात कर लेते पैशन एक्सटेक के लुक के बारे में, तो वहीं आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड काफ़ी न्यू फ्रेश लुक आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि पैशन प्रो से ही लुक इसका थोड़ा मोड़ा कॉफी देखने को मिल जाता है। तो लुक कंडीशन में आप लोग पे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि लुक का सबका पर्सनल चॉइस होता है, आपको जो लुक पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियन के इंजन के, तो इसमें आपको 110 सीसी का इंजन आता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 8.08 bhp का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.7 न्यूटन मीटर का। वहीं बात करते हैं पैशन एक्सटेक के इंजन के बारे में, तो इसमें भी आपको 110 सीसी का इंजन आता है जो पावर प्रोड्यूस करता है रेडियन से 1 bhp ज़्यादा 9 bhp का और टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है रेडियन से 1 न्यूटन मीटर ज़्यादा 9.89 न्यूटन मीटर का। तो पावर वाइज देखा जाए तो पैशन एक्सटेक आपको 1 न्यूटन मीटर और 1 bhp ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे पैशन प्रो एक स्टेप आगे निकल जाता है। तो वहीं अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, तो माइलेज यहाँ पे रेडियन आगे निकल जाता है। रेडियन का अप्रोक्स माइलेज आपको 65 का मिल जाता है और वहीं पैशन एक्सटेक का अप्रोक्सीमेटली माइलेज आपको 55 के mpl का अप्रोक्स माइलेज देखने को मिल जाता है। तो माइलेज अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेडियन एक स्टेप आगे निकल जाता है यहाँ पे। वहीं बात कर लेते हैं फीचर के मामले में, तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियन के फीचर के, तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जो TFT में आता है। LED DRL देखने को मिल जाते हैं, हैलोजन हेडलैम्प में आ जाता है, USB चार्जर देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फंक्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें आपको टैकोमीटर भी देखने को मिल जाता है और इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं पैशन एक्सटेक के फीचर के बारे में, तो इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा फीचर दिया गया है और काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े फीचर भी इसमें इस बाइक में देखने को मिल गए हैं। जैसे आपको इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, डुअल LED प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिल जाता है विद XFDRL देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको USB चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फंक्शन मिल जाता है, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर देखने को मिल जाता है और I3S मिल जाता है, इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम यानी IBS भी देखने को मिल जाता है और लास्ट में आपको एक्सेंस भी मिल जाता है जो हीरो का एक फीचर का है या एक टेक्नोलॉजी का है। तो फीचर में देखा जाए तो पैशन एक्सटेक आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ फीचर प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू रेडियन से कंपेयर करते हैं। तो अब बात कर ले तो दोनों के सस्पेंशन के बारे में, तो रेडियन का सस्पेंशन फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है, वहीं रियर में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा लेकिन मैं एक बार क्लियर समझा देता हूँ कि इसमें आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है रियर में, जो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। ज़्यादा आपको ज़्यादा टाइट चाहिए या फिर जहाँ आपको सॉफ्ट चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग 5-स्टेप तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं पैशन एक्सटेक में, तो पैशन एक्सटेक फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है, वही रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई एडजस्टेबिलिटी का भी ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ पे रेडियन आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसमें आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों के टायर के बारे में, तो इन दोनों में ही आपको 80x100 सेक्शन के 18 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं जो आगे फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं इन दोनों के ब्रेक्स के बारे में, तो ब्रेक्स भी आपको दोनों में सब कम्प्लीटली सेम देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 130mm का ड्रम और 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑप्शनल में रहता है, वहीं रियर में भी आपको 130mm का ड्रम देखने को मिल जाता है। तो ब्रेकिंग वाइज भी दोनों का लगभग सिमिलर है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन भी यहाँ पे लगभग आपको सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के कर्वेट यानी वजन के बारे में, तो यही कर्वेट आपको 118kg का देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें यानी जो जमीन से इंजन का जो डिस्टेंस होता है उसका अगर बात किया जाए तो इसमें 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है दोनों बाइकों में। वहीं बात करते हैं इन दोनों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो दोनों में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। सीट हाइट यहाँ आपको रेडियन में आपको 780mm का देखने को मिल जाता है, वहीं पैशन एक्सटेक में आपको 799mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट राइडर हैं तो आपको रेडियन चलाने में थोड़ी सी आसानी होगी। हालांकि पैसन एक्सट्रे का इसी टाइट कुछ ज़्यादा नहीं है, 805-810 mm तक आप इजिली राइड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस के बारे में। तो रेडियन का प्राइस आपको 90,000 से लेकर 95,000 ऑन रोड प्राइस आप अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं पैसन एक्सट्रे के प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस स्टार्टिंग 92,000 से लेकर 97,000 यानी 92,000 से लेकर 97,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप बात कर लेते हैं इन दोनों के कंक्लूजन के बारे में कि किसके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए लुक वाइज अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर आपको लुक से ज़्यादा मतलब है तो आप पैसन एक्सट्रे की तरह आँख मूंद कर चल जाए। वहीं अगर बात करते हैं आपको थोड़ा सा अगर बजट का इशू है, 2-4-5 हज़ार आपके लिए मायने रखता है तो आप रेडियन की तरफ जाएं, क्योंकि और अगर आपको लुक से भी कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है तो आप रेडियन की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें आपको 2-4 हज़ार वो कम मिल उसमें लगेंगे और खासकर उसका लुक भी आपको थोड़ा सिंपल देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं पैसन एक्सट्रे की, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो पैसन एक्सट्रे में आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि इसमें आपको सब चीज़ आपको रेडियन से बेहतर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि एक दो जो चीज़ है जो आपको रेडियन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पैसन एक्सट्रे एक बेटर पैकेज बन जाता है रेडियन से। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम हैंडल शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। इसके लिए स्टे ट्यून्ड, राइड हार्ड, राइड सेफ।